आज मैं कनक रश्मि आपके समक्ष कक्षा सातवीं के बसंत भाग दो से पाठ लेकर उपस्थित हूँ। आप सभी बच्चों से ये उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे सुरक्षित एवं स्वस्थ हैं। आज यह पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम आज जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं वह पाठ है भारत के राष्ट्रीय खेल। हम सभी बच्चे सभी खेलों को पसंद करते हैं, इसमें से आप बता सकते हैं राष्ट्रीय खेल कौन सी है? जी हाँ, हॉकी। हॉकी जो है हमारा राष्ट्रीय खेल है, तो इसी खेल से संबंधित आज हम पाठ पढ़ेंगे जो कि आपके बसंत भाग दो से लिया गया है। 18वां नंबर पाठ है, संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया, धनराज। आप सभी जानते हैं चित्र में देखिए धनराज पिल्ले, ये जो है संघर्ष के कारण तुनक मिजाज हो गए। संघर्ष के कारण का मतलब क्या है कि वो उन्होंने अपने जीवन में इतने संघर्ष किए कि वह जो है तुनक मिजाज हो गए। तुनक मिजाज का अर्थ ये है कि आप किसी को कुछ कहते हैं तो वो तुरंत ही जो है गुस्सा करते हैं आप पर, वह इसलिए तुनक मिजाज हो गए क्योंकि उन्होंने संघर्ष के साथ ही अपने जीवन को आगे बढ़ाया था। इसलिए कभी कोई कुछ कह देता है तो वो चिढ़ जाते हैं या फिर वो गुस्सा हो जाते हैं। कौन? धनराज पिल्ले। आज हम उन्हीं के जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। यह पाठ जो है एक साक्षात्कार है, साक्षात्कार का मतलब है एक इंटरव्यू जैसा है, कन्वर्सेशन है जिसको हम आज पढ़ेंगे। हॉकी के इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं इस पाठ के थोड़ा से सार बताना चाहूँगी जो धनराज पिल्ले के विषय में है। धनराज पिल्ले एक बहुत ही जाने माने सितारे हैं भारतीय हॉकी के। इनका जन्म जो है 16 जुलाई 1968 में पुणे में हुआ था। इनके माता पिता मूलतः तमिलनाडु के थे लेकिन रोजी रोटी की तलाश में ये जा कर के पुणे में बस गए और पुणे में ही इनके जो संतान हुए वो वहीं पैदा हुए। तो चौथे नंबर पर थे धनराज और उनके माता पिता के जो पैसे के जो अभाव थे इस वजह से उन्होंने इस आशा के साथ इनका नाम धनराज रखा ताकि वो जो है पैसे उनके घर में आता रहे। और हम सभी जानते हैं कि आगे चलकर धनराज पिल्ले ने उसको साक्षात कर दिखाया या उसे सच कर दिखाया, उनके माता पिता के जो अरमान थे उसे वो पूरा कर दिखाए। तो ऐसे थे धनराज पिल्ले। धनराज पिल्ले अपने बचपन में उनके पास हॉकी नहीं होती थी, जैसे हम सभी आप सभी बच्चे खेलते हो तो जब बॉल नहीं होती है तो आप क्या करते हो, कपड़े की गेंद बना लेते हो, पेपर की गेंद बना लेते हो, उस पर उससे खेलते हो। उसी तरह से धनराज पिल्ले भी एक सामान्य परिवार में जन्मे थे, उनके पास भी गेंद नहीं थी, हॉकी की जो स्टिक है हॉकी स्टिक जो था वो नहीं था, तो वो क्या करते थे, किसी के फेंके हुए जो बॉल है उससे और किसी के फेंके हुए जो हॉकी स्टिक है उसको लेकर के वो खेला करते थे। चौथा बेटा धनराज था और उनके माँ के जो है 5 पुत्र थे। पांचों पुत्रों को उनकी माँ यही शिक्षा देती कि कभी भी अपने जीवन में विनम्र बने रहिए, अपने जीवन के जो संघर्ष है उसे किसी और को दिखाना नहीं चाहिए, हम संघर्ष के साथ आगे बढ़े लेकिन सामने हम विनम्रता को सबसे आगे रखें, यही सीख जो है उनकी माँ देती रही। उनकी माँ की इन बातों से प्रेरित होकर के धनराज पिल्ले अक्सर जो फेंके हुए बॉल होते हैं, फेंके हुए जो हॉकी स्टिक होते हैं उसे लेकर के वो खेलते थे, कभी निराश नहीं होते थे। उसके बाद उनके जो बड़े भाई थे, उनके बड़े भाई की जब सिलेक्शन हो जाती है, उनका चुनाव जब हो जाता है, उसके बाद उसके बड़े भाई ने वो जो हॉकी स्टिक है उसे धनराज पिल्ले को दे दिया। धनराज पिल्ले को ये एहसास हुआ कि ये जो हॉकी स्टिक है यह अब मेरा अपना है क्योंकि भैया ने मुझे दे दिया। इससे पहले क्या था कि वह या तो अपने दोस्तों के लिए वो इंतज़ार करता रहता बैठ करके घंटों कि कब वो दोस्त खेल कर थक जाएंगे तब जा करके उनकी जो हॉकी स्टिक है वो धनराज पिल्ले को मिलेगा और धनराज जो है उस हॉकी स्टिक से खेलेंगे, ऐसे उनका बचपन बीता। उसके बाद ही हमने देखा कि वह आगे चलकर कैसे भारत के एक जाने माने हॉकी
के खिलाड़ी बन गए और हमने उनके बारे में जाना। तो उनका सफ़र भी एक सामान्य परिवार से ही शुरुआत हुआ। उसके बाद जा कर के जैसे जैसे वो जीतते गए और उनकी जो प्रतिष्ठा है, उनके जो अंदर की जो कला है वो बाहर आते गई, तब जा कर के हम सभी ने जाना कि यह धनराज पिल्ले कौन है। आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं इस पाठ को। विनीता, विनीता जो है उनका साक्षात्कार लेने के लिए जाती है, जो इंटरव्यू लेने के लिए जाती है और धनराज पिल्ले से इंटरव्यू देती है। विनीता खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हरिंदानी पावई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफर बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है, उस सफर के बारे में कुछ बताइए। तो खिड़की क्या है? खिड़की पुणे की एक स्थान, पुणे में एक स्थान है जिसका नाम है खिड़की, जहाँ पर धनराज पिल्ले का जन्म हुआ था। तो जो विनीता है वो उनसे सवाल करती है, कहती है कि ये जो खिड़की है, यहाँ से लेकर के आपका जो है मुंबई जाने तक की जो सफ़र है उसके बारे में कुछ हमें बताइए, और उस सफ़र में जितने भी कष्ट थे, कष्ट साध्य का अर्थ है कि आप जितने भी कष्टों से होकर, कष्टों को पार कर इस ख्याति तक पहुँचे हैं, इस स्थान तक पहुँचे हैं, उस तक के सफ़र को आप बताइए। धनराज, बचपन मुश्किलों से भरा रहा, हम बहुत गरीब थे, मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था, वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया, उससे मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। मैंने बताया आपको कि धनराज पिल्ले विनीता से कहते हैं कि मेरे बचपन जो है वो बहुत ही कष्टदायक थे, क्योंकि मेरे मुझे बचपन से ही शौक कैसे पड़ गया, ये जो खेलने, हॉकी खेलने की जो शौक है वो कैसे पड़ गया, क्योंकि मेरे जो दोनों भाई थे वह भी हॉकी खेला करते थे, उन्हीं को देखते देखते मेरा भी जो लगाव है हॉकी के प्रति वो बढ़ गया। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि मेरे पास हॉकी के कोई स्टिक नहीं थे, तो मैं घंटों इंतज़ार करता कि मेरे दोस्त कब वो खेल कर थक जाए और वो अपनी हॉकी स्टिक मुझे दे, और उसी हॉकी स्टिक से मैं खेलता था। पहली बार जब मेरे बड़े भैया का जो कैंप में सिलेक्शन हो जाता है या उनको उनका जो नंबर है वो लग जाता है, उसके बाद उनकी जो पुरानी जो स्टिक है वो मुझे दे दी, भैया ने अपनी जो हॉकी की स्टिक है वो मुझे दे दी। मैं बहुत ही खुश हो गया क्योंकि यह जो स्टिक है यह बहुत कीमती तो नहीं थी, लेकिन मैं बहुत खुश था क्योंकि यह मेरी पहली और अपनी हॉकी स्टिक थी, क्योंकि वो घंटों इंतज़ार करते थे अपने दोस्त से स्टिक लेने के लिए, अब जो है पुरानी ही सही लेकिन उनके पास भी अपनी स्टिक थी, तो वो उसको लेकर के बहुत खुश हुए कि मेरी जो स्टिक है वो मेरी अपनी है। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर से खेली, तब मैं सिर्फ 16 साल का था, देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा, अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था, मैं बहुत जुझारू था मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। तो वो क्या कहते हैं कि मैं जो है, मेरी जो जूनियर राष्ट्रीय हॉकी जो है वह 1985 में मणिपुर से शुरुआत हुई, तब मैं सिर्फ एक 16 साल का छोटा बालक था और मैं देखने में बहुत ही दुबला पतला था, और इसी वजह से जो है उसे सभी लोग सोचते थे कि ये बहुत छोटा सा बच्चा है या क्या खेलेगा, लेकिन
वह जो है एक जुझारू खिलाड़ी थे। जुझारू खिलाड़ी का मतलब बहुत मेहनत करने वाले और एकदम खेल में माहिर थे। इस वजह से जो है वह मैदान के अंदर भी इतने ही जुझारू थे जितना कि मैदान से बाहर। मैदान से बाहर भी उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो पाठ से ही पता चलता है कि वो बहुत ही तुनक मिजाज थे, गुस्से वाले थे। जैसे ही वो कुछ कहे तुरंत जवाब वो दे देते थे। इसलिए उनका दबदबा जो है, जैसे वो खेल में स्टिक को लेकर के कैसे खेलते हैं, बॉल किसी और को और तक पहुंचने नहीं देते हैं, उसी तरह से जो खेल के मैदान है उससे बाहर जाने के बाद भी कोई कोई शब्द कहे वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते थे। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप में बुलावा जरूर आएगा, पर नहीं आया। मेरा 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो क्या कहते हैं धनराज पिल्ले अपने खेल के बारे में कि मैं 1988 में नेशनल कैंप के लिए मैं सोच रहा था कि मुझे बुलावा आएगा। जब 57 जो लिस्ट होती है खिलाड़ियों के, उस लिस्ट में मैंने देखा कि मेरा नाम नहीं आया तो मैं बहुत निराश हो गया। लेकिन जब ऑलविन एशिया कप जब हुई तब उसमें मुझे चुन लिया गया, तब मेरी जो अंदर की उम्मीद है और अंदर की जो मायूसी थी, मायूसी मतलब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये जो मायूसी है ये मायूसी दूर हो गई और एक उम्मीद जो है वह जग गई कि मैं उसके बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा कि मैं क्या था। अब मुझे यही उम्मीद और उम्मीद बांधता गया कि मैं आगे और आगे और अच्छा खेलूंगा और देश का नाम रोशन करूंगा। विनीता, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी है? विनीता पूछती है अब धनराज पिल्ले से कि आप विद्यार्थी जीवन आपका कैसा रहा और आपके स्कूल के दिनों में किस प्रकार से उनकी यादें जुड़ी हुई है। धनराज, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था, किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूं, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे ना मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हो, पर गर्व से कह सकता हूं कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूं। हंसते हुए, और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। धनराज कहते हैं कि मैं पढ़ने में बहुत ही फिसड्डी था। फिसड्डी का अर्थ है कि मैं बहुत ही कमज़ोर था। किसी तरह मैंने 10वीं तक की पढ़ाई कर ली, लेकिन उसके आगे का मामला बहुत ही कठिन था क्योंकि मुझे हॉकी ही आता था, उसके आगे तो कुछ आता नहीं था। कुछ मैं पढ़ने के मूड में नहीं था या मुझे पढ़ाई पसंद ही नहीं था क्योंकि मेरा सब समय जो है हॉकी ही मेरा सपना बनकर रह गया था। अगर हॉकी में मैं इतना आगे नहीं आता तो शायद मुझे चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती। लेकिन मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मैं बैचलर ऑफ साइंस तो नहीं हूँ, बैचलर ऑफ आर्ट्स भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आज क्या हूँ, बैचलर ऑफ हॉकी जरूर हूँ। और वो हंसते हुए यह भी कहते हैं कि शादी के बारे में अगर मैं कहता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं मास्टर ऑफ हॉकी हूँ। यह कहते हैं धनराज पिल्ले। विनीता, आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। तो विनीता उनसे पूछती है कि आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं और आपका जो बात करने का जो तरीका है वो इतना आक्रामक क्यों है। धनराज कहते हैं, धनराज, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को संघर्ष करते हुए या संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। धनराज क्या कहते हैं कि मैं बचपन से ही जो है बहुत संघर्ष करता था और मैं अपनी
मम्मी को भी देखता था कि वह भी हमारे लिए कितनी संघर्ष करती है, कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं, लेकिन मैं बिना लांग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ और बाद में कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता, दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। मुझे जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। ऐसे ही लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं, जो लोग गलती करते हैं और बिना शर्म के माफ़ी मांग लेते हैं, या जिनको कुछ नहीं आता हो वो सामने वाले से जाकर के पूछ लेते हैं। ऐसे ही लोग बेटे जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। तो जो धनराज हैं, धनराज क्या कहते हैं कि मैं बचपन से ही बहुत संघर्ष करता हुआ मेरी माता को देखता था, इसलिए जो है मैं बहुत ही तुनक मिजाज हो गया और मुझे कभी भी कोई भी काम जो है वो सीधे सीधे करने पर जल्दी से सफलता नहीं मिली। उसके लिए कई बार मुझे कोशिशें करनी पड़ती थी, इसलिए मैं जो है बहुत गुस्सेल स्वभाव का हो गया हूँ। मैं गुस्सा होता हूँ या मेरी तुनक मिजाजी है, इस वजह से काफ़ी लोग जो है मुझे उकसाने में भी सभी लोगों को मज़ा आता है। अर्थ क्या है कि सभी लोग मुझे छेड़ देते हैं और छेड़ते ही मैं जो है गुस्सा हो जाता हूँ। और मैं बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव का इसीलिए रहा क्योंकि मैं एक बार कोशिश करते ही मुझे कभी सफलता नहीं मिली। बार बार मुझे कोशिश करनी पड़ी अपनी सफलता के लिए, इसीलिए मैं जो है चिढ़ जाता हूँ, क्योंकि मेरी मायूसियत ज़्यादा रहती है। जब मैं सफल होता हूँ तभी जाकर के मेरी उम्मीद बनती है, तो उस समय तक पहुँचने के लिए मुझे कई बार संघर्ष करने पड़े खेल के मैदान में भी, तो इसलिए मैं जो है चिड़चिड़ा हो गया हूँ। लेकिन मैं एक बहुत ही भावुक इंसान भी हूँ। भावुक इंसान का मतलब मैं बहुत विनम्र भी हूँ बाकी लोगों के लिए, क्योंकि मैं किसी को तकलीफ में नहीं दे सकता, ना तो मैं अपने दोस्तों को ना ही मेरे परिवार के किसी सदस्य को तकलीफ में देख सकता हूँ। और जब भी मैं कोई गलती करता हूँ मैं बिना शर्म के मैं जाकर के माफ़ी मांग लेता हूँ। ये बड़ी अच्छी आदत है। विनीता, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? कहती है विनीता, धनराज किले से पूछती है, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? धनराज, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उसके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। धनराज पिल्ले बड़ी सरलता के साथ कहते हैं कि जो मेरी प्रेरणा है वो मेरी माँ है। सच बात है, हर बच्चे की जो प्रेरणा होती है वो उनकी माँ होती है। उन्होंने सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डाले। धनराज कहते हैं कि मेरी माँ इतनी अच्छी है कि मेरी माँ ने सब बच्चों के अंदर में, सभी मेरे जो भाई बहन हैं सभी के अंदर बहुत अच्छे संस्कार डाले। क्या संस्कार थे? आपकी जो सफलता है उसमें भी आप जो है हमेशा विनम्र बने रहिए। तो इसलिए मेरी माँ के नज़दीक में रहा, मेरी माँ की बातों को मैं मानता रहा, इसलिए मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में रहूँ मैं सोने से पहले एक बार अपनी माँ से ज़रूर बात कर लेता था। और प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी। इसका क्या अर्थ है कि जो भी प्रसिद्धि जो भी सफलता हमें मिले उस वक्त भी हमें विनम्र बने रहना चाहिए, ना कि हम सफल हो गए तो हम किसी को भी कुछ ना समझे, ऐसा नहीं रहना चाहिए। हमें सभी के साथ विनम्र बने रहना चाहिए, तभी हम प्रसिद्धि और प्रसिद्धि आगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसी ही सीख धनराज पिल्ले की माँ ने धनराज को दिया था। विनीता, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रोटर्फ
पर हॉकी कब खेली? धनराज, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों नेशनल्स में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सुमैया और जेकोबिन कार्वालो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे और जब वे बताने में लगे हुए थे मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। तो वो कहते हैं धनराज कि मैं जब पहली बार राष्ट्रीय खेल नेशनल्स खेलने के लिए 1988 में नई दिल्ली आया तब मुझे याद है कि मैं उस मैदान में खेल रहा था जिस मैदान में कृत्रिम घास उगे हुए थे और मुझे जो है खेल के गुर बता रहे थे मेरे जो साथी हैं सुमैया और जोकिवम। उस वक्त मैं उनकी बातों को छोड़ मैं बार बार उस कृत्रिम घास को छू करके देख रहा था क्योंकि मैंने पहली बार देखी थी वैसी कृत्रिम घास जिस पर कि हॉकी खेला जाता है। विनीता, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास पहली बार कार कब आई? तो विनीता पूछती है सभी युवक ये चाहते हैं कि मेरे पास एक कार हो और आपके पास ये कार कब आई? मेरी पहली कार, धनराज कहते हैं, मेरी पहली कार एक सेकेंड हैंड अर्माडा थी जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर्स ने दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था मगर यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में एक खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्लई अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्स आइकॉन है जो मैंने सन 2000 में खरीदा था मगर वह भी कॉर्पोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। धनराज क्या कहते हैं कि मेरे पास एक सेकंड हैंड अर्माडा थी जो कि मुझे एम्प्लॉयर्स ने दी थी और मैं काफ़ी नाम कमा चुका था लेकिन तब भी मेरे पास नाम तो थे लेकिन कहते हैं ना शोहरत पैसा लेकर नहीं आता है। तो उसी तरह से मेरे पास जो है नाम तो थे लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे इतने। तो मैं आमतौर पर मुंबई की जो लोकल ट्रेनें हैं उस पर या बसों पर मैं सफ़र करता था। एक दिन की बात है कि कोई जो फोटोग्राफर था उसने मेरी जो तस्वीर है ऐसी तस्वीर खींची कि मैं लोकल ट्रेन के लिए जा रहा हूँ, आसपास बहुत सारी भीड़ है और उस तस्वीर को खींच करके उसने अखबार में डाल दिया और उस पर लिख दिया कि जो हॉकी का सितारा है वह लोकल ट्रेन में। कहते हैं धनराज कि उस दिन मुझे एहसास हुआ या महसूस हुआ कि मैं जो है एक मशहूर खिलाड़ी बन चुका हूँ और मुझे इस तरह से लोकल ट्रेनों में नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं करता क्या, मेरे पास तो पैसे की कमी थी। फिर थोड़े थोड़े पैसे जमा करके मैंने अपने बहन की शादी करा दी। उसके बाद पुणे में जो मेरी माँ रहती थी मेरी माँ को मैं पैसे भेजता रहा। लेकिन आज मेरे पास में फोर्ड आइकॉन है मेरे पास और यह भी जो है मैंने खरीदा कब, सन 2000 में मैंने खरीदा।
तब जो है तब से लेकर के अब तक फोर्ड आइकन मेरे पास है और यह जो है किसी कॉर्पोरेट हाउस की दी हुई नहीं है, ये मेरे मेहनत की घड़ी कमाई है, मतलब मेरी मेहनत से मैंने खरीदा। विनीता, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? सवाल बहुत अच्छा उन्होंने पूछा। सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? धनराज कहते हैं, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतरीन जिंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे में भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा जरूर है पर हम सबके लिए काफी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। धनराज पिल्ले बड़ी सरलता से ये कहते हैं कि कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज जितना पैसा खिलाड़ियों को मिलता है उसके मुकाबले में हमें बहुत कम मिला था। उस वक्त मेरी पहली जिम्मेदारी क्या थी कि मैं अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारूं। पहला जो है वो मेरा परिवार था और विदेश जाकर खेलने से उनको जो पैसे मिले थे उससे उन्होंने 1994 में भाऊ पाटिल रोड पर एक 2 बेडरूम वाला छोटा सा एक फ्लैट उन्होंने खरीदा। उसके बाद सरकार ने मुझे जो है पवई में एक फ्लैट दिया। जो फ्लैट को खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं थी या मैं खुद अपने से कभी नहीं खरीद सकता, मुझे सरकार की ओर से दिया गया। विनीता, सेलिब्रिटीज के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? धनराज, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। तो धनराज कहते हैं कि जब मैं जो हॉकी खेलने के बाद जब मैं राष्ट्रपति से मिला, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ और मुझे तब पता चला कि हॉकी कितनी खास है। हॉकी ही एक ऐसी खेल थी जिसके कारण मेरी इतनी अच्छी प्रतिष्ठित जगह पर मैं बैठ पाया या मुझे इतना सम्मान मिला। विश्व से मुझे जो है बहुत ही प्यार और प्रतिष्ठा जो मिली है उसके कारण मैं हॉकी को ही दूंगा और हॉकी ही मेरे जीवन का लक्ष्य था और मैं उस लक्ष्य तक पहुंचा। बच्चों, हमने इस प्रकार देखा, इस पाठ को पढ़ा और जाना कि कैसे थे धनराज पिल्ले। एक सामान्य से परिवार में जन्मे हुए धनराज आगे चलकर हॉकी के महान सितारे कैसे बने। अब मैं इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी। पहला नंबर है साक्षात्कार। यह जो पाठ है यह खुद में एक साक्षात्कार है। यह साक्षात्कार का अर्थ क्या है? आमने सामने बातचीत, जैसे विनीता और धनराज का आमने सामने जो साक्षात्कार हो रहा था, बातचीत हो रही थी, वही इस पाठ में लिखा गया है। दूसरा नंबर है कष्ट साध्य। कष्ट साध्य का अर्थ है बहुत मुश्किलें। तीसरा नंबर है विनम्रता। विनम्रता का अर्थ है नरमी, विनम्र भाव से बात करना। उनकी माता जो है हमेशा कहती थी कि आप जितने भी प्रसिद्धि को प्राप्त कीजिए लेकिन आप विनम्र बने रहिए। चौथा नंबर है दबदबा। दबदबा का अर्थ है रौब। धनराज जो है अपने रौब जमाए हुए रहते थे मैदान में। पांचवा नंबर है आक्रमक। आक्रमक का अर्थ है हमला करना। आप सभी जानते हैं जब हॉकी खेलते हैं तो वो एक दूसरे पर हमला करते हुए उस बॉल को ले जाना पड़ता था, उसी को आक्रमक रूप से वो जो है खेला करते थे। छठा नंबर है शोहरत। शोहरत का अर्थ है प्रसिद्धि जो कि धनराज पिल्ले ने प्राप्त की। सातवां नंबर है धीरज। धीरज का अर्थ है धैर्य। वह कैसे मैदान में धैर्य के साथ बैठे रहते थे, क्यों? क्योंकि उनके जो साथी हैं वो खेलेंगे, खेलने के बाद वो थक जाएंगे, उसके बाद उनको जो है वह
हॉकी स्टिक मिलेंगे और उसी हॉकी स्टिक से वो खेलेंगे। इसलिए वो धैर्य के साथ बैठे रहते थे कि कब मेरे दोस्त मुझे अपने हॉकी स्टिक देंगे। आठवां नंबर है मायूसी। मायूसी का अर्थ है उदासी। वो मायूस हो गए थे जब उनका लिस्ट में नाम नहीं था, देख करके धनराज मायूस हो गए थे। नवा नंबर है तोहफा। तोहफा का अर्थ है उपहार। दसवां नंबर है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का अर्थ है इज्जत। प्रतिष्ठा मिली धनराज को भारत के हॉकी खेलने पर, नेशनल्स खेलने पर। वो प्रतिष्ठा क्या है, उनको बहुत इज्जत और सम्मान दिया गया। बच्चों, हमने इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ जाना। अब हम पाठ्यपुस्तक, आपके पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्न संख्या एक को देखेंगे। साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। यह प्रश्न जो है आपके पाठ्यपुस्तक का पहला प्रश्न है। साक्षात्कार पढ़कर हमारे मन में धनराज पिल्ले की जो छवि उभरती है वह इस प्रकार है। धनराज गरीबी में पला बड़ा एक स्वाभिमानी व्यक्ति है। उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। वह स्वयं को बहुत असुरक्षित अनुभव करता रहा है, अतः उनके स्वभाव में तुनक मिजाजी आ गया। वह अपनी माँ और भाभी का बहुत सम्मान करता है। यह उत्तर है पहले प्रश्न का। दूसरा प्रश्न है, धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है। लगभग 100 शब्दों में इस सफर का वर्णन कीजिए। आप जो पाठ है इस पाठ को पढ़िए। इसमें दिया गया है बचपन से लेकर के उनके भारतीय खेलों के सितारे बनने तक की कहानी लिखी हुई है। इसमें से आप 100 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर अपने आप लिखिएगा। बच्चों, आपके पाठ्यपुस्तक का तीसरा प्रश्न है, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है, धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है। धनराज पिल्ले की इस बात का यह अर्थ है कि उनकी माँ ने उन्हें विनम्र बने रहने के संस्कार दिए हैं। प्रायः लोग प्रसिद्धि में पगला जाते हैं और इसे सहज भाव से स्वीकार नहीं कर पाते। धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व के निर्माण में उनकी माँ का बहुत बड़ा योगदान है। तो उनकी जो माता है, धनराज पिल्ले की माता ने हमेशा संस्कार ऐसे दिए उन्हें कि प्रसिद्धि पाने पर आप अपनी बातों को इतनी बड़ा चढ़ा करके नहीं कहना चाहिए, आप उसी विनम्रता के साथ चलते रहिए, तभी आपकी प्रसिद्धि जो है वह कामयाब होगी। इसीलिए वो कहते हैं कि ऐसे ना बनो कि प्रसिद्धि पाने के बाद आप एकदम पगला जाओ और प्रसिद्धि के बारे में अनेक किस्से कहो। इससे अच्छा है कि सीधे साधे और विनम्र बने रहो। यही संस्कार उनकी माता ने दिया। बच्चों, इस प्रकार हमने इस पाठ को पढ़ा। आप सभी बच्चे जब भी समय मिले, ऐसे अच्छे अच्छे जो खिलाड़ी हैं, भारतीय सितारे बन चुके हैं, उन खिलाड़ियों के बारे में पढ़िए। पढ़ने पर आपको यह पता चलेगा कि उनका बचपन भी आपके बचपन जैसा ही है। वह भी आपके जैसे सामान्य परिवार से निकल करके वो कैसे भारत के सितारे बनते हैं। आपको इस तरह के खिलाड़ियों के बारे में पढ़ने पर बहुत सारी प्रेरणाएं मिलेगी। हमारे जीवन में प्रेरणा ही हमें लेना चाहिए। किसी से जब हम प्रेरणा लेते हैं तब हम आगे अच्छे जीवन को प्राप्त करते हैं। धनराज पिल्ले हैं इस जैसे खिलाड़ियों के, एक एल्बम बनाइए, एक एल्बम बना करके उनके चित्र को लगाइए, उनकी जीवन की छोटी छोटी बातें उसे लिखिए और उसे अपने जीवन से जोड़कर देखिए। क्या हम भी आज उसी बचपन में जी रहे हैं जिस बचपन में ये खिलाड़ी जिया करते थे, और यह भी एक छोटे से परिवार से, सामान्य से परिवार से होकर के कैसे भारत में एक सितारा बन करके चमके। इसी तरह से हम भी एक सितारा बनेंगे। इसी सपने के साथ आप पढ़ते रहिएगा और अच्छी अच्छी जो पुस्तकें हैं उसे पढ़िए, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और अपने जीवन में सफल होइए। यही एक जो पाठ है वह आपको सीख देती है। इसी से आपको ये प्रेरणा मिलती है कि आप किस प्रकार से अपने खिलाड़ियों को
जानेंगे और जानने की इच्छा रखेंगे। महिला खिलाड़ियों के बारे में भी जानिए। लड़कियां है कक्षा में, वो लड़कियां जो है महिला खिलाड़ियों के बारे में चित्र इकट्ठा कीजिए और उनके बारे में, उनके बचपन, उनके जो प्रसिद्धि है वहां तक के जाने के सफर को पढ़ के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि हम भी एक मामूली लड़की नहीं हूँ, मैं भी भारत की एक महान बेटी हूँ। यह सपना लेकर के आप लोग आगे चलिए और अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाइएगा। धन्यवाद बच्चों।